ऑल राइट गाइज, वेलकम टू बॉडी बिल्डिंग गुरु। आज की हमारी सभी अपडेट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारे इंडियन आईएमबी प्रो बॉडी बिल्डर उमेर बहमत के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इन्होंने थाईलैंड प्रो को जीतकर क्वालिफाई किया है ओलंपिया के लिए। तो इन्होंने अपना 4 वीक्स आउट वाला फिजिक अपडेट हम सभी के साथ में शेयर कर दिया है। तो गाइज हम यहाँ पर देख पा रहे हैं उमेर बहमत भाई की फिजिक बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है, पहले से बढ़िया कंडीशनिंग में है, शायद भी थोड़ा इन्होंने इम्प्रूव कर लिया है और बॉडी का शेप भी काफ़ी अच्छा है। तो गाइज हम यहाँ पर देख सकते हैं उमेर बहमत भाई 4 वीक्स आउट पहले ऐसे नज़र आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, इस बार ओलंपिया में अपना बेस्ट पैकेज डिस्प्ले कर पाएंगे? तो गाइज आप सभी इनके लिए कमेंट बॉक्स में ऑल द बेस्ट लिख दें। इनके बाद में बात कर लेते हैं आईएबी को अली बिलाल के बारे में। दोस्तों इस टाइम अली भाई बहुत ही तगड़ी हाइप लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 2 बड़े प्रो शो जीतकर क्वालिफाई किया है ओलंपिया के लिए। और इस टाइम के बारे में लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि अली इस बार आ सकते हैं ओलंपिया में टॉप 2 में, क्योंकि आप ये रिएक्शन वीडियो देख सकते हो जिसमें आंद्रे फर्ग्यूसन इन्हें क्लियर सीधा कंपेयर कर रहे हैं रायन टेरी से और टॉप 2 में सेलेक्ट कर रहे हैं। Yo, he in better shape at 4.5 weeks out than a lot of people gonna be on show day at the Olympia. This is crazy. I know y'all see this shit. People can pretend if they want to, but I got Ali in the top 2. I love me some Ryan Terry. Love me some Ryan Terry. But this shit right here, ooh, this boy not playing. 4.5 weeks out, psh. It's a race to the finish line, gentlemen. It's a race to the finish line. I'm not competing, but I'm going to be there front row. Who? With popcorn. Skinny pop, though. और ये इनकी लेटेस्ट अपडेट जिसमें मिस्टर ओलंपिया से 5 वीक्स आउट हैं। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इनकी कंडीशन कितनी ज़्यादा श्रेडेड और शार्प हो चुकी है। ऑब्लिक्स इतने ज़्यादा डार्क साइड पर हैं कि देखकर लग रहे हैं कि इन्हें तो गड्ढे पड़े हुए हैं। और बात करें बैक की, तो बैक में भी काफ़ी अच्छा खासा इम्प्रूव इन्होंने कर लिया है, जिसे हम इनकी बैक में डेंसिटी और थिकनेस से अंदाज़ा लगा सकते हैं काफ़ी अच्छी है। तो गाइज अली भाई को देखकर आपको क्या लगता है कि इस बारे टॉप 2 या टॉप 3 टॉप 5 में सेलेक्ट हो पाएंगे, कमेंट में ज़रूर बताएं। इनके बाद में हम बात कर लेते हैं क्लासिक डिवीजन के बॉडी बिल्डर मैक समरफील्ड के बारे में। तो मैक ने काफ़ी टाइम के बाद में अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें पोजिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर इनकी अपडेट देख सकते हैं अपर बॉडी की, जो बहुत ही अच्छी खासी कंडीशनिंग में है। बात करें इम्प्रूवमेंट्स के बारे में, तो पहले से बढ़िया इन्होंने अपनी बॉडी पर साइज एड ऑन कर लिया है, जिसे हम इनके फ्रंट डबल बाइसेप्स पोज में क्लियर हिट होते हुए देख सकते हैं। ये वैक्यूम के साथ बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव नज़र आ रहे हैं। और जब बात आती है साइड चेस्ट पोज की, तो गाइस इनकी साइड चेस्ट पोज, इनकी चेस्ट बहुत ही ज़्यादा थिकर और फुलर दिख रही है। इसके बाद में हम इनकी बैक को भी नोटिस कर सकते हैं कि बैक में स्ट्राइशंस और मसल्स की मैच्योरिटी नज़र आने लगी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस बार मैक्स समरफील्ड की जगह बना पाएंगे टॉप 3 या टॉप 4 में, कमेंट में ज़रूर बताएं। इनके बाद में हम बात करेंगे इनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर रमोन डीनो के बारे में। तो गाइस रमोन ने भी अपना छोटा सा फिजिक अपडेट हम सभी के साथ में शेयर किया था, जिसमें हम इनकी अपर बॉडी क्लियर देख सकते हैं कि ये इस टाइम काफ़ी अच्छी कंडीशनिंग और इम्प्रूव फिजिक लेकर चल रहे हैं, जिसका अंदाज़ा हम इनकी इस बैक वाले वीडियो में लगा सकते हैं कि बैक इन्होंने काफ़ी अच्छी इम्प्रूव कर ली है और 5 वीक्स आउट पहले भी श्रेडेड हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों रमोन डीनो के इस फिजिक अपडेट को देखकर अभी भी कहीं ना कहीं डाउट है कि ये टॉप 2 में इस बार नहीं आए, क्योंकि इनकी इस वीडियो का तगड़ा मुकाबला किया है वेस्ली वेजर्स ने। तो वेस्ली ने अपना यह बैक का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो सीधा सीधा जवाब दे रहे हैं रमोन डीनो को कि देखो मेरी बैक कितनी स्ट्रांग है तुमसे, और मेरा मुकाबला नहीं हो पाएगा, मैं आऊँगा सिर्फ टॉप 2 में। तो दोस्तों आप सभी ने रमोन डीनो और वेस्ली विजर्स की यह बैक की अपडेट देख ली, इनमें से आपको बेस्ट अपडेट किसकी लगी और इन दोनों में से आपको क्या लगता है टॉप 2 में कौन सेलेक्ट होगा? आपके जो भी थॉट्स एंड ओपिनियंस हों एक बार कमेंट में जरूर लिखें। इनके बाद हमारी अपडेट है 5-टाइम मिस्टर ओलंपिया शिवम के बारे में। तो गाइस इन्हें इस टाइम क्लासिक डिवीजन का किंग बोला जा रहा है और इन्हें गॉड भी माना जा रहा है। तो गाइस इन्होंने अपने इंस्टा पर कुछ डिफरेंट पोस्ट शेयर करी हैं, जिसमें पहले से कुछ अलग नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये क्लासिक नहीं बल्कि ओपन बॉडी बिल्डर हों, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं शिवम के डेड्स एंड बाइसेप्स कितने फुलर और बिगर हो चुके हैं। इनकी इस अपडेट्स को देखकर हम कह सकते हैं कि इस बार 3rd टाइटल भी शिवम का होने वाला है, सिर्फ फाइट होगी तो 2nd प्लेस के लिए, और ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी अपडेट्स पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और बॉडी बिल्डिंग की डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।